गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द TSN स्कूल. नाउ विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 27 एज एंड पैराग्राफ राइटिंग. पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे आप काफ़ी लास्ट ईयर से भी लिखते आ रहे, ठीक है. आपने हर क्लास में लिखा है ऐसे राइटिंग. एक आपको टॉपिक दे दिया जाता है जिस पर आपको कुछ लाइंस लिखनी होती है, जैसे काउ, ठीक है, कंप्यूटर, स्टूडेंट लाइफ, डिसिप्लिन, इस टाइप की कोई भी आपको टॉपिक दिया जाता है, पेरेंट्स, ये आपको टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपको ऐसे राइटिंग लिखना होता है. देखिए एसेज क्या होते हैं. एसेज आर लॉन्गर पीस ऑफ कंपोजिशन एंड एसेज इज रिटन कंपोजिशन गिविंग एक्सप्रेशन टू वंस पर्सनल आइडियाज और ओपिनियन ऑन सम टॉपिक. ठीक है, वो क्या होता है कि एक कंपोजिशन है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस लिखते हैं, पर्सनल आइडियाज़ लिखते हैं, ओपिनियन लिखते हैं, जो भी आपका उस टॉपिक से रिलेटेड होता है उस चीज़ को लिखने के लिए आप उसको क्या कहते थे कि वो ऐसे राइटिंग होती है. अ पैराग्राफ इज़ ए मेनी मैचर ऐसे. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस और ए शॉर्ट कंपोजिशन रिलेटिंग टू अ टॉपिक और एन आइडिया और लिंक टुगेदर. ठीक है, और ऐसे से क्या होता है, पैराग्राफ होता है कि मिनी मैचर होता है, मीन्स छोटा सा पैराग्राफ टाइप का आप लिख देते, कंपोजिशन बना देते, उस पर कुछ टॉपिक और आइडियाज़ आप उस पर लिंक कर देते हैं, उससे वो क्या बन जाता है, पैराग्राफ राइटिंग ऐसे वो कहलाती है. ठीक है, फर्स्ट ऐसे आप देखिए पंचुअलिटी. पंचुअलिटी मीन्स होता है जिसमें आप हर काम को टाइम टू टाइम करें, पंचुअल बने, अनुशासन जिसे हम कह सकते हैं. ठीक है, पंचुअलिटी मीन्स आप अपने को कहते ना, मतलब हर काम को करने पे आप डिपेंडेंट होते हैं उस हिसाब से. पंचुअलिटी मीन्स कीपिंग टू द अपॉइंटमेंट टू और फिक्स्ड आवर. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द करियर ऑफ सक्सेसफुल पर्सन. सबसे करियरफुल सक्सेस अगर आपको चाहिए, मतलब लाइफ में अगर आपको सक्सेस बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको सबसे पहले क्या होगा कि हमेशा क्या होगा, पंचुअल रहना पड़ेगा. मतलब टाइम को लेके आपको हमेशा पाबंद रहना पड़ेगा कि नहीं, इस टाइम पे ये काम करना है तो इस टाइम पे ये काम करना ही है. ठीक है, फिक्स्ड होना चाहिए आपका टाइम. इन फैक्ट पंचुअल मैन हाउएवर बिजी और एंगेज्ड फाइंड्स टाइम फॉर मोर वर्क स्टिल. एंड पंचुअल मैन ऑन द अदर हैंड फार फ्रॉम डूइंग मच कैन नॉट फिनिश हिज नॉर्मल ड्यूटीज इवन. मतलब पंचुअल मैन जो होता है वो बंदा क्या करता है कि अपने सारे काम भी टाइम पे करता है, यहाँ तक कि वो अपने जो छोटे छोटे नॉर्मल है उन ड्यूटीज़ को, ऐसा नहीं है कि वो उन काम को छोड़ के कुछ अर्जेंट काम को करने लग जाए, नहीं, उसके लिए हर काम इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी होता है. सो ही इनसिक्योर द डिसप्लेजर ऑफ एवरीबडी एंड फेल्स इन लाइफ. लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स. अ स्टूडेंट हु कम्स लेट टू हिज क्लास मिसेज अ पार्ट ऑफ द लेसन दैट डे एंड ऑल्सो कॉजेज डिस्टर्बेंस टू अदर्स. एंड अ पंचुअल ऑफिसर अपसेट द डे प्रोग्राम नॉट ओनली ऑफ हिमसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ दूज हु हैव डीलिंग विद हिम. अ लिटिल डिले बाय एन आर्मी में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एम्पायर विच कैन चेंजेज द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन. क्या बताया, एग्जाम्पल्स दिए कि अगर पंचुअल इंसान कोई टाइम पर नहीं पहुँचता या टाइम का पाबंद नहीं होता है तो क्या क्या नुकसान हो सकते. देखिए अगर एक स्टूडेंट की बात करें हम, तो अगर स्टूडेंट क्लास में लेट आया मान लो, तो क्या होगा, उसने अगर क्लास के अंदर कोई टॉपिक चल रहा होगा तो वो तो उसने मिस किया ही किया, यहाँ तक कि आके अगर वो क्लास में लेट आएगा तो क्या होगा, पूरी क्लास भी उसकी करंट डिस्टर्ब होती है, क्योंकि सबका एकदम ध्यान कहाँ चला जाता है, उस बंदे पे चला जाता है, उस स्टूडेंट पे चला जाता है, टीचर भी डिस्टर्ब होता है पढ़ाते हुए, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, सबका जो दिमाग है उस टाइम एकदम डाइवर्ट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन उनका डाइवर्ट हो सकता है. तो इससे क्या होगा, उसका बच्चे का तो नुकसान हुआ ही हुआ और बाकियों का भी नुकसान हुआ. इसी तरीके से अगर हम बात करें एक आर्मी मैन की, तो अगर वो लेट पहुंचा, अगर मतलब मान लो ना कोई वॉर चल रहा है उसमें अगर वो लेट पहुंचा या कोई डिसीजन लेने में वो लेट हो गया तो क्या होगा, नेशन के लिए खतरा भी हो सकता है, हमारे देश के लिए वो खतरा बन सकती है वो चीज़ें. टुडे लाइफ इज़ बिकमिंग फास्ट. आजकल की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा फास्ट होती जा रही है, हर कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता जा रहा है, सब कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं लाइफ में. इट इज़ फुल ऑफ हैस्ट एंड हरी. बहुत ज़्यादा मतलब सब टेंशन में और जल्दीबाजी में रहते हैं. एवरी वन इज़ बिजी, सब लोग बिजी रहते हैं. नन इज़ रेडी टू वेट. इट्स आर ड्यूटी टू कीप आर प्रोमिसज एंड डिस्चार्ज आर ड्यूटीज़ इन टाइम. और कोई हमारा वेट नहीं करता, मतलब सबको क्या होती है, बहुत जल्दीबाजी रहती है, हरी करते हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, हर काम को सबको जल्दी चाहिए होता है. तो इसलिए अगर हमने किसी से प्रोमिसज किए या हमें मतलब खुद से प्रोमिस करना चाहिए कि हम अपनी ड्यूटीज़ को क्या करेंगे, टाइम पर ही करेंगे. We should not keep others waiting for us. हमें नहीं चाहिए कि हम किसी और को वेट कराएं हमारे कारण. We should be considered to their interest. और हमें उनका इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, ना कि हमको उनको इरिटेट करना चाहिए. ठीक है, किसी को भी अगर हमने किसी काम के लिए बोला तो वो काम अगर हम टाइम पे करेंगे तो वो हमसे खुश भी होगा बंदा, और उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलेगा. The habit of punctuality is almost natural with the western people, but we are rather careless about it yet. पंचुअलिटी क्या होती है, नेचुरल थिंग होती है जो कि हमें मतलब हमारे अंदर होनी चाहिए, तो हमें लेजीनेस, केयरलेस छोड़ देनी चाहिए.
We still find many public or private engagements bringing work behind the appointed time. We must cultivate this habit from our childhood. हमने देखा है कि कई बार है ना पब्लिक या मतलब हम बात करें किसी प्राइवेट जगह की तो वहाँ पर क्या होता है, हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है टाइम टू टाइम कि इस टाइम पे आपको मिलना है, इस टाइम पे आप ये काम करेंगे, ऐसा करके अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो यही चीज़ें हमें अपनी लाइफ में क्या करनी चाहिए, बचपन से ही मतलब लागू कर लेनी चाहिए कि नहीं, ये इस टाइम पे ये काम होना ही ज़रूरी है। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, जो दूसरों के लिए ज़रूरी है, हमारे रिलेटिव्स हमारी फैमिली के लिए ज़रूरी है, तो वो टाइम पे हमें काम करना ही चाहिए, जिससे किसी का भी नुकसान ना हो, ना हमारा नुकसान हो, ना किसी और का नुकसान हो। तो पंचुअल होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम का, कि बिल्कुल टाइम पे मतलब आपको काम, समय की जो कीमत होती है वो हमें पहचाननी चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, ठीक है। हमेशा टाइम क्या होता है, बढ़ता ही चला जाता है, और जब एक बार टाइम निकल जाता है उसके बाद अगर हम अफसोस करेंगे तो कुछ नहीं मिलता लाइफ में। इसलिए हमें समय की कीमत को समझना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो आपकी यंग एज हो, या आपकी कोई भी एज हो, ठीक है। उसमें आपको जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति आपको पंचुअल होना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, और सारे काम आपको टाइम पर करने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। और स्टूडेंट्स, जो ये टॉपिक है इससे रिलेटेड मैं आपको एक PDF सेंड करूँगी, वो आपको अपनी नोटबुक में दोनों जो टॉपिक्स होंगे ऐसे और पैराग्राफ राइटिंग के, वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है, होमवर्क कॉपी में आपको करने हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू ऑल।